दोस्तों क्रिकेट जगत से आई बुरी खबर, भारतीय एशिया कप की स्क्वाड में शामिल नहीं होने पर भारतीय स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने लगाई फांसी। जी हां दोस्तों, क्रिकेट जगत में दौड़ी सोखी लहर। आप भी जानना चाहते हैं युजवेंद्र चहल ने कहां पर और क्यों लगाई फांसी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटा बजाना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों बीते सोमवार को रोहित शर्मा और अजीत अगरकर ने भारतीय एशिया कप स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जिसमें 17 खिलाड़ियों को टीम में कर लिया शामिल। लेकिन दोस्तों इसमें एक नाम गायब था और वो नाम था युजवेंद्र चहल का। जी हाँ दोस्तों, शानदार गेंदबाजी करते हुए, शानदार प्रदर्शन करते हुए भी युजवेंद्र चहल को इग्नोर किया गया और भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जताई और इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई। जी हाँ दोस्तों, आप भी यह तस्वीर देख सकते हैं। दोस्तों बात करें भारतीय एशिया कप की स्क्वाड की, तो वह इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह भारतीय टीम एशिया कप जीत पाएगी या नहीं? प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए और क्रिकेट की ऐसी लेटेस्ट खबर और वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।